हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा कोचिंग क्लासेस। आज मैं बच्चों आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास एट का चैप्टर नंबर 7 फैक्टराइजेशन। बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये मैं आज आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ चैप्टर में, तो सबसे पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि फैक्टर होता क्या है। तो बच्चों देखो, इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन ईच ऑफ दीज नंबर एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड द फैक्टर्स। इन दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट करने के प्रोडक्ट करते हैं किसको, नंबर और अलजेब्रिक को, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर्स बोलते हैं। अब आपका है फैक्टराइजेशन। देखो, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। तो बच्चों देखो, इसमें आपको क्या कहना है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग मतलब उसका लिखने का जो प्रोसेस होता है वो, एंड प्रोडक्ट और टू और मोर फैक्टर मतलब दोनों को क्या कहना, प्रोडक्ट करने के बाद दोनों में हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हम लोग ऐसे करते हैं। अब आपको देखो, सपोज आपका ये एग्जाम्पल है 2x² एंड 12x², तो देखो 2x² है बच्चों, तो हमने 2x² को पहले ले लिया, फिर आपका है 12x², तो हमने 12x² को पहले ले लिया, तो देखो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x हमारा 2 टाइम्स है, तो x को हमने 2 बार ले लिया, खत्म। इस अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो भी आपका 2x² ही आएगा, तो हमने इनको क्या कर लिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लिया। अभी जैसे आपको 12x² है, तो देखो ऐसा फैक्टर करना, सपोज 2 3 6 6 2 12, तो देखो 2 3 6 6 2 12, एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ एक्स को हमने क्या कर लिया, 2 टाइम्स ले लिया। तो बच्चों देखो, अब इसका हमारा कॉमन फैक्टराइजेशन कैसे निकलेगा, तो देखो अगर हम इसका जीसीडी निकालते हैं, जीसीडी मीन्स बच्चों होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो हम देखो अब हम करेंगे, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो आपका 2 क्या हो, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो आपका x आ गया, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, x आ गया। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x × x, तो 2x², तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर। ऐसे ये आपके फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ आप मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो देखने को मिले। थैंक्स अ लॉट।